Hi guys, welcome to my channel. So few days back I went to my mom dad's place and I cooked the dish with paneer, but I didn't shoot the intro and all that time because I was not sure whether it is going to work or not, because I was about to do some experiment at that time. So but the experiment worked and the recipe turned out really well. It was really delicious. So I'm going to share a very quick and delicious recipe with you all. So without further ado, let's get started with the recipe. यहाँ मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए. पनीर को मैं क्यूब्स में काट ली हूँ. प्याज और अदरक लहसुन को मैं फाइनली चॉप कर ली हूँ और दो मिर्च को स्लिट कर ली हूँ. मसालों में मैं यहाँ नमक ले रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़े जीरा. यहाँ मैंने आधा कटोरी दही ले ली है और दो टमाटर को मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली. यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले ले रही हूँ, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची. तो हम शुरू करेंगे. पैन में तेल डालेंगे. मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ. सबसे पहले हमको पनीर को फ्राई करना है, तो उस हिसाब से उस क्वांटिटी में हम तेल लेंगे. तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे और बिल्कुल लाइट ब्राउन होते तक उसको फ्राई करेंगे. बहुत ज्यादा फ्राई भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है फ्राई करके. अच्छा, बाय द वे, कट करने के पहले मैं पनीर को थोड़ा सा नमक पानी में डिप करके रखी थी करीब हाफ एन आवर के लिए. उससे पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है. अगर आपका पनीर फ्रेश भी नहीं है फिर भी वो सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप नमक पानी में डिप करके रखेंगे. तो ये मेरा पनीर फ्राई हो चुका है. अब उसी तेल में, मैं एक्स्ट्रा तेल नहीं मिलाऊंगी, उसी तेल में मैं एक चम्मच शक्कर ले रही हूँ. और फिर जितने खड़े गरम मसाले ये मैं ऐड कर दूंगी. इसको हल्का सा सॉटे करूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा. जीरा डालने के बाद भी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे करना है. अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन होते तक फ्राई करूंगी. अच्छे से सॉटे कर लेंगे. गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा. ये देखिएगा प्याज फ्राई हो गया है. अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी. इसके बाद मैं अदरक और लहसुन जो काट कर रखी थी उसको ऐड करूंगी. आप चाहो तो जो प्याज, अदरक और लहसुन है उसको पीस के भी यूज कर सकते हो, बट मुझे ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल टच चाहिए था इसलिए मैंने काट के यूज किया है. यहाँ मैंने सूखे मसाले और ग्रीन चिली भी ऐड कर दी हूँ. अदरक लहसुन थोड़ा सा हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा, उसका रॉनेस चला जाएगा, उसके बाद मैं ये सूखे मसाले और ग्रीन चिली ऐड की हूँ. जो ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल कुकिंग होता है उसमें सारे मसाले जो है कट करके ही डालते हैं. अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन यूज कर रही हूँ, करीब दो चम्मच. बेसन यूज करने का रीजन एक तो ये है कि जब मैं दही डालूंगी तो दही फटेगा नहीं, और सेकेंड रीजन ये है कि मुझे अपना ग्रेवी थोड़ा सा थिक करना है. लाइक मुझे ग्रेवी ज्यादा भी चाहिए और थिक भी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर ढाबा स्टाइल सब्जी में होता है. अब मैं बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ दही ऐड कर दी हूँ.
बेसन अच्छे से फ्राई हो जाए मसाले के साथ, उसके बाद ही दही ऐड करिएगा। यहाँ आपको वीडियो कट होके दिख रहा होगा। ये देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे। ध्यान में रखिएगा जब भी आप बेसन डालेंगे उसको अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करिए, अदरवाइज बेसन का वो रॉ स्मेल रह जाएगा। वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद ही आप दही ऐड करिएगा। अब मैं पनीर को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद ग्रेवी के लिए मैं गरम पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए लिड को कवर करके गैस को हम बिल्कुल सिम कर देंगे और थोड़े देर बाद चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। साइड साइड से तेल अलग हो गया है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा तेल साइड साइड से या ऊपर सरफेस पे दिखना चाहिए, अगर वैसा ना हुआ मतलब मसाला ठीक से पका नहीं है। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ग्रेवी का कंसिस्टेंसी बिल्कुल ढाबा स्टाइल थिक सा हुआ है। और लास्ट एट द एंड मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। तो ये ढाबा स्टाइल पनीर मसाला रेडी है। सो गाइज डू टेल मी हाउ डू यू लाइक द रेसिपी। घर पे जरूर ट्राई करना, पनीर है हर कोई खा सकता है, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी। ट्राई करना और बताना आपको कैसा लगा। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं वीडियो डालू। बेल बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। So like, share, comment, you know the drill guys. So that's all for today's video. Bye bye.